Nice close, आंखें बंद रखने से हम ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। दोनों हाथ अपने घुटने पे रख लीजिए, हथेलियां खुले हुए आकाश की ओर। अगर आपकी गोद में आजू बाजू कुछ सामान है तो आप उसको साइड पर रख दीजिए और अच्छे से कर प्राणायाम। जब हम हाथ ऊपर लेते हैं तो घुटने को खोलना है, फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से हम तुरंत ऊर्जा के संचार को महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों को जो भी करना है कर लीजिए, आप पूरी तरह से अपने आप के साथ हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, चाहे मुस्कान झूठा हो मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि मुस्कुराने से हम अपने से चार मसल्स को काम देते हैं। अगर हमारा चेहरा तनाव में रहता है तो 33 मसल्स को काम करना पड़ता है। चलिए आखिरी राउंड पूरे जोश और उत्साह के साथ, लाइक अ वॉरियर। टेक द पोजिशन ऑफ योर हैंड्स, लूज फिस्ट नियर योर शोल्डर्स, स्पाइन इरेक्ट, वेरी गुड, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। अभी हम शुरू करेंगे, हम सिर्फ श्वास ले रहे हैं। एक बार फिर से गहरी श्वास भरिए, श्वास को पूरी तरह से खाली कर दें और पूरे उत्साह के साथ एक साथ ब्रीथ इन, वन इन, टू इन, थ्री इन, फोर इन, फाइव इन, सिक्स इन, सेवन इन, एट इन, नाइन इन, टेन इन, इलेवन in 12, in 13, in 14, in 15 and relax. अपने दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए and forceful exhalation. ठीक है, जोश पूर्वक सांस लेना है, जोश पूर्वक सांस को बाहर छोड़ते हैं। एक बार देखते हैं अपने आप से हो रहा है, सिर्फ आपको इसके प्रति सजग होना है। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। धीरे धीरे से अपने आंखें खोलते हैं। कैसे लग रहा है आपको? पता चला आपकी श्वास के अंदर कितना पावर है? यस, इतना छोटा सा हमने 2-3 मिनट का प्राणायाम किया, उसमें हम इतना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। Yes? तो बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, हमको बोलते हैं आप दशम क्रिया सीखिए, तो बोले टाइम नहीं है। देखो अपने खुद के ये जो हम प्राणायाम ध्यान करते हैं ये हमको टाइम देता है, क्योंकि हमको एनर्जी मिलती है। यस, अगर आप बोलो बाद में करेंगे, 60 साल के बाद आपको एनर्जी का कोई काम नहीं है। अभी आपको इतना टारगेट्स है, अभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अभी आपको इतना वर्कलोड इतना काम करना है। तो अगर हम प्रेशर में काम करेंगे तो हमारे शरीर और मन दोनों को हम सफर करेंगे। यस, सेम काम को अगर आप एकदम हाई एनर्जी और उत्साह के साथ करोगे तो उस काम को भी आप आनंद से करोगे और अपने जीवन को भी आनंद से जी सकते हैं ना। बस यही डिफरेंस है जीवन जीने की कला सीखने में। देखो किसी को अगर ढोलक बजाते आता है तो वही चीज संगीत हो जाती है, और किसी को नहीं बजाते आता तो वही चीज शोर हो जाती है। अगर आपको अपने श्वासों से अपने प्राण ऊर्जा
मुझे ऐसे लग रहा है 5 मिनट थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए हमको, तो अगर बच्चों को 5-7 मिनट के लिए मजा आ गया। देखिए हाँ हाँ एकदम एकदम हाँ मोमेंट देखो ये पल कितना सुंदर है, देखो अनन्या दिस मोमेंट, ठीक है। बस यही कला है, बार 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 वर्तमान क्षण में मन आने से हम 100% अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें 100% रह सकते हैं। देन वी आर फोकस्ड, कई बार लगता है मन काम करने लगता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, आई एम नॉट फोकस्ड। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है फोकस नहीं होता, क्यों? जब आप 100% रहते हैं, यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर वेरी सेंटर्ड एंड यू आर 100% इन द मोमेंट। तो आज के सेशन से अगर इतना सा भी छोटा सा पॉइंट लेके गए, मैं जो भी करना है 100% उस मोमेंट में मुझे करना है। अगर मेरा ड्यूटी है तो फिर कुछ भी नहीं दूसरा दिखना है, बस मेरा वही मेरा जो धर्म है। जब मैं घर आया तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखना, मेरा परिवार और बच्चे दिखना है मुझे। यस, इस तरह से हम हर पल को, हमको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सुंदर जीवन कैसे शुरू हुआ। और इसकी कला सीखने के लिए ओनली योर ब्रेथ कैन हेल्प यू, है ना। सिर्फ आपकी श्वास से ही आपको हेल्प कर सकती है अपने मन के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि मन पे काम करने का दूसरा कोई भी टूल नहीं इस दुनिया का। राजा भी बन जाएंगे आप दुनिया में, हिमालय पे चले जाएंगे तो भी इसी मन को लेके जाएंगे। कुछ लोग बोलते सब छोड़ देना, बहुत परेशान हो गया, बहुत टेंशन हो गया, सब छोड़ के चले जाओ, किधर चले जाओ, उधर इस परेशान मन को लेके जाओ। तो लोगों से परेशान नहीं, अपने अंदर हमारा दुनिया गड़बड़ है, है ना। इस व्यक्ति के कारण मैं परेशान हूँ, उस व्यक्ति के कारण, ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, ना कोई कुछ भी सिचुएशन नहीं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस और योर सैडनेस। जो कुछ भी काम करना है अपने ऊपर करना है। आजू बाजू की सराउंडिंग पे कितना भी करोगे थक जाएंगे, पर आप परेशान रहे पर यू विल नॉट गेट अ रिजल्ट। एंड यू नो दैट यू आर बेस्ट, आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आई एम द बेस्ट। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दूसरों को वेट नहीं करना, कोई आपको जेनरेट नहीं करेगा। यू नो दैट यू आर बेस्ट, आपके जैसा दुनिया में कोई है क्या, बताओ मुझे। नो, आपको दिखा रहे आपके जैसा सेम नो 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 आई हैव नॉट सीन। ईश्वर ने आपको कितना यूनिक बनाया है। यस, आपके जैसा दूसरा व्यक्ति भी नहीं बनाया, मतलब कितने प्रेम से हमको भगवान ने बनाया है। यस ऑफ कोर्स, यस यू आर सो यूनिक ऑन दिस प्लेनेट। आपके अंदर जो क्वालिटी है किसी और के अंदर नहीं, जो आप काम कर सकते हो मैं नहीं कर सकती। यस, व्हेन यू आर एंथुसियास्टिक बाय योर ओन सेल्फ, यू डू नॉट नीड एनीथिंग टू मोटिवेट योरसेल्फ, यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड। यस, गुरुदेव श्री रवि शंकर जी आज 184 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ही नेवर सेड अस कि आप सेवा करो, कोर्स लो, लोगों को जाके प्राणायाम मेडिटेशन जाके सिखाओ, नेवर सेड। ही इज एन इंस्पिरेशन, उनको देख के हमको लगता है हमें भी कुछ करना है। यस, सो वी हैव टू बिकम एन इंस्पिरेशन, कि आपको देख के लगे नहीं मुझे भी ऐसे ही बनना है। यस, हाँ बहुत सुंदर। अभी हमें 5-7 मिनट का ध्यान करें करना चाहते हैं। हमारा राइट और लेफ्ट है ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अभी कौन सा नाड़ी चल रहा है ऐसे रखो, अब देखो कौन सी नाक चल रही है, देखो मुझे बताओ। एक समय पे एक ही नाक चलती है, ये रस से देखो एक ही नाक चल रही है एक समय पे, एक से सांस आते रहती है जाके, हमको ये रस से नहीं पता है किससे कितने लोगों की राइट चल रही है, मतलब आपको भूख लगी कुछ खाना है, कितने लोगों की लेफ्ट चल रही है आपको कुछ पीना है। चंद्र नाड़ी, लेफ्ट मतलब चंद्र, राइट मतलब सूर्य, ठीक है। तो इसको संस्कृत में ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बोलते हैं। ये नाड़ियाँ बहुत ही पावरफुल है। हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ीज है, जिसमें कुछ नाड़ियाँ हैं जो बहुत पावरफुल है, ठीक है। एक वेगस नर्व होता है, किसने सुना है वेगस नर्व के बारे में? आपके सिर के मध्य से आपकी पेट साथ स्पाइन तक एक नर्व जाता है, और वो नर्व आपके बॉडी के हर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे क्रिटिकल डिसीज होती है तो डॉक्टर बाहर से उस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, सुदर्शन क्रिया से वो नर्व अपने आप से स्टिमुलेट होता है। बाहरी सब बड़ी है ना, बाय डूइंग मेडिटेशन ब्रीदिंग टेक्निक, वो नर्व अपने आप स्टिमुलेट होता है। मतलब मैं मुझे 15 साल हो गए आर्ट एंड क्राफ्ट में कोर्स सिखाते सिखाते, और
और इतनी क्रिटिकल डिजीज जिसको डॉक्टर बोलेगा नहीं ठीक हो सकता ये व्यक्ति अभी 15 साल से वो ठीक है, क्योंकि आपके श्वास से आप अपने पूरे सिस्टम को रिजुनेट कर सकते हो। लाइक बेबी जैसे बच्चे का सिस्टम ऐसा आप अपना सिस्टम वापस से रिजुनेट कर सकते हो, इतना हृदय में ताकत होता है। यस, तभी हम जो प्राणायाम करेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। हाँ, जब लेफ्ट से सांस लेते हैं तो उसके बाद दोनों उंगलियों से लेफ्ट को बंद करो, राइट से सांस को छोड़े। मतलब जब आप सांस छोड़ रहे हैं, एक नासिका को बंद करना है, एक को खोलना है, एक को बंद करना है, एक को खोलना है, कंटिन्यूस, और जितना धीरे धीरे आप कर सकते हो उतना अच्छा है, एज स्लो एज पॉसिबल। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे से आप श्वास ले रहे हैं और बिल्कुल धीरे धीरे से श्वास को छोड़ रहे हैं। आपका जो दूसरा हाथ है वो घुटने पे रखना है, लेफ्ट हैंड को अपने घुटने पे अपनी जंघा के ऊपर रखिए। वेरी गुड, आंखें बंद। और ये भी हम थोड़ी सजगता के साथ करेंगे, हम इतना धीरे धीरे कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे इंच बाय इंच आप श्वास ले रहे हैं और बिल्कुल धीरे धीरे से श्वास को छोड़ रहे हैं। आपकी गर्दन सीधी है, आपका चेहरा रिलैक्स्ड है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, आंखों पे चश्मा लगाया तो दर के साइड में रखे, आंखें बंद। अगले 5 मिनट आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट रिलैक्सिंग। अगर मोबाइल फोन साइलेंट रखें तो प्लीज साइलेंट पे कर दें। आजू बाजू में जो भी आवाजें हो रही है उसको भी स्वीकार कर लें। बच्चों की चिल्लाने की आवाज, जो भी आवाजें हैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करें। अपने पैरों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ दें, अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें, अपने चेहरे को ढीला छोड़ दें, अपने आंखों को ढीला छोड़ें, अपने कपाल को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें, क्लोज। बाहर कुछ भी नहीं है देखने के लिए, जस्ट लेट गो ऑल योर एफर्ट्स। सभी प्रयासों को छोड़कर केवल विश्राम। सांस अपने आप बाहर आने लग जाए। ठीक, एक बार सांस लेंगे